तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो भाई आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ और एलिफेंटा के साथ और साथ नॉक आशिकी के साथ। और भाई ये दोनों प्लेयर भाई बहुत खतरनाक खेलते हैं। और भाई ये जो हमारे दूसरे प्लेयर थे उनका नाम पता नहीं, ऐसे रंजू कुछ था, रंजू राहुल ऐसे कुछ था, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट भाई तुम्हारा भाई भी यार उतरते ही गन मिल जाती है और देखो क्या ही भरेगा। बट यहाँ पे बंदे नहीं उतरते हैं, एक दो उतर रहे हैं जिससे मेरे टीममेट उड़ा देते हैं। अब तुम गेस कर लेना भाई, कमेंट में बता देना अभी क्या अभी लिखो कि भाई चिकन डिनर कौन ले जाएगा लास्ट में। मैं नहीं, चिकन डिनर नहीं, एमपीपी कौन ले जाएगा, मैं या फिर ऑरा डिफेंडर। और भाई इनके चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये NOC आशिकी नाम है ना इनका, तो इनका चैनल का भी लिंक भाई मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी मार देना। और भाई कैसे हो आप लोग, ठीक है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और साथ ही साथ अब मेरे टीममेट बहुत हरामी थे, मेरे को लूट नहीं दे रहे थे। और साथ ही साथ भाई मैं इसमें चिकन होगा या फिर हार जाएंगे ये तुम गेस्ट बता देना, चिकन डिनर में मतलब तुम बता देना, इतना बता रहा हूँ। MVP भी तो मिल जाएगा, हर किसी को मिल सकता है, चाहे चिकन डिनर हो या ना हो, MVP तो देखते हैं। अब ठीक है, अब मैं नंबर 3 यानी ऑरा डिफेंडर को गन देता हूँ क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छी गन नहीं थी। वाइजन लगा कि नहीं, उसके पास UMP 45 थी, मैंने सोचा यार गन दे देते हैं बनना मतलब मर जाएगा वो, और मैं इसको 100 M और दे देता हूँ। ले भैया तू जी ले, मतलब गन लेके फालतू मीनिंग में मत ले जाना, ठीक है। इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ये फनी वीडियो डालते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलना। तो इसी के साथ हम देखते रहते हैं यहाँ पे। और भाई पहले ही बता दूँ, एक चैनल का लिंक दूंगा मैं, एक ARAC गेमिंग के नाम से। उस चैनल को भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, फिर देखना आपसे बिल्कुल मैं बात ही नहीं करूँगा, मतलब यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। सब्सक्राइब मार देना मैं, ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा, ठीक है भाई सब्सक्राइब मार देना। अब यहाँ पे फुटप्रिंट आए थे बट ये बोर्ड के थे जिस पर गन भी नहीं थी, उस मैं ऐसे नॉक कर देता हूँ। मेरे टीममेट बोलते रहे थे भाई कौन बंदा आगे कौन बंदा आगे, मैंने कहा यार बोट है ये। और मेरे को भाई फुटप्रिंट समझ में आ गए थे यार, ये कहाँ होगा, क्या कहाँ कहाँ नहीं होगा। अब वहाँ पे अपार्टमेंट साइड पे भाई बहुत साउंड आई थी और मैं और डिफेंडर भाई निकल लेते हैं कि भाई बोट को जरूर मारेंगे, किल जरूर लेंगे। और साथ ही साथ भाई बोट को मारने के चक्कर ही चक्कर है भाई, तुम्हारे भाई के सामने कितनी स्क्वाड आ जाती है वो तुम भी नहीं सोच सकते। और डिफेंडर को भाई तुम देखना मेरे पीछे पीछे आने लगे, वरना वो आने का मन ही नहीं था उसका, मेरे पीछे पीछे आने लग गया। फिर वो क्योंकि भाई उधर बोर्ड थे, उसने उसने ध्यान कहीं और दिया था शायद से, वो क्योंकि वहाँ पे गाड़ी वगैरह भी थी शायद से, वो वहाँ ध्यान दे रहा था। अब इस बात को छोड़ दो, यहाँ पे एक बोर्ड था, मैं उसे मारने निकल जाता क्योंकि उसके पास M4 थी, वरना मुझे बोर्ड से तो कोई मतलब नहीं है, मैं उसे मारने निकल जाता हूँ। वो कहता है फ्री के गिल कौन छोड़ता है। अब यहाँ पे एक बंदे बोर्ड पर बैठकर थी, उसमें एम ऑन थी, मैंने कहा चलो यार छोड़ दे। अब ये बोर्ड आता है यहाँ पे, मैंने नॉक ही कर देता हूँ विदाउट एनी HP, खाए मैंने। अब मेरे को इससे M4 चाहिए थी वरना मेरा टीममेट लूट लेता, वरना और डिफेंडर भाई बहुत खतरनाक है यार, लूट बहुत जल्दी लेता है, बहुत जल्दी मतलब पूछो ही नहीं, बहुत जल्दी लूटता है वो, उठाता बहुत जल्दी है गन। अभी उसका फिलहाल में उसका पिंग ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको थोड़ी टिप दे दी, क्या बोलते हैं सिंगापुर वाले से कनेक्ट कर दे इस वजह से। और साथ ही साथ मैं थोड़ा रोटेट वोटेट कर रहा था अपने फ़ोन को इस वजह से, अब मतलब बोर मत हो जाना, भगना नहीं है, मैं निकलता हूँ इस जगह से जल्दी जल्दी, मेरा फ़ोन रोटेट फूटेट सब हो रहा था। और यहाँ पे फायरिंग की तंड होती है, मेरा ध्यान जाता है भैया यहाँ पे बहुत स्क्वाड आ चुकी है। और यहाँ पे एक बंदा मेरे पे नशेड़ी होकर फायरिंग कर रहा था, उसे ये नहीं पता था मैंने उस पर स्लैम कर दिया था। तुम देखो अब वो गाड़ी के पीछे वो बंदा था और भाई मैं तो देख रहा था यार वो बंदा कहाँ है, और जब तक मैं उस बंदे पर फायरिंग करता तुम देखो उसने मेरी HP कितनी खाली थी, और मैं देख रहा था बंदा कहाँ है यार, इधर उधर होगा कहीं, और मैं उधर उधर फायरिंग भी करता हूँ बट वो बंदा तो बस, फिर मेरे को उसकी टकली दिख जाती है। मैं सोचा यार पहले हील लगाऊंगा उसके बाद रश कर दूंगा, मेरे टीममेट्स का ध्यान भटका देते हैं उधर से उधर जाते हैं, और मैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए देखो क्या ही कर जाता हूँ। अब उस बंदे का ध्यान मेरे टीममेट्स पर था बट मेरे पे बिल्कुल नहीं था, मैंने उसको भर दिया वहीं पर, मैंने कहा यार मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बंदे ने मेरे को इतनी HP कैसे ले लिया यार, और मेरे टीममेट को नॉक भी कर रहा है ये, मैंने कि भैया मैं नहीं छोड़ूंगा। और सोचो भाई अब मैं पहले ही बता दूं, क्या बोलते हैं आप, आपको पता होगी मेरी ऑरा डिफेंडर की राइवलशिप थी, पर मैंने वो भी हटा दिया, मैंने कहा यार छोड़ो इस वजह से। अब ये बंदा आता भैया नशेड़ी, मतलब क्या यार, मतलब क्या ड्रामा। और सच यार ये ऑरा डिफेंडर है ना, ये किसी गलत फैमिली की वजह से
क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, गलत मीनिंग की वजह से मेरे बात करना छोड़ दिया था, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये मुझसे बात कर रहा है ढंग से। और भैया किसी ने आग लगा दी थी इसको मेरे बीच में, बिल्कुल आग लगा दी थी, अब बस उसका नाम नहीं बता सकता, छोड़ो इस बात को जब तक। अब ये बताना भाई ड्रेस कैसे लग रही थी, क्योंकि मैंने बंदे से अपने टीममेट से मांग के ले ली थी भाई, क्या कर सकते हैं, खुद पे थी नहीं। और यहाँ से अभी एयर ड्रॉप पे मैं AWM उठाता हूँ और साथ ही साथ AWM चलाने का मौका भी नहीं मिलता है जब तक मेरे टीममेट देखो। और डिफेंडर पे भी भाई हमला हो चुका था, मेरे को पता थी भाई ये वहाँ पे एक और बंदा है, क्योंकि वहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी थी और मेरे को साफ साफ पता थी कि भाई गाड़ी है वहाँ पे। और भाई मेरे टीममेट अलग ही नशे में था, और डिफेंडर खासकर भाई उस बंद वो उसने देख लिया तो गाड़ी है, बट पता नहीं क्यों वो अलग ही लेवल पर था। अब ये गाड़ी वाला नशेड़ी था या फिर ये दारू पी के आया था, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं इस पर रश मार देता हूँ क्योंकि मुझे पता था यार ये मतलब इस बंदे का टीममेट होगा, और भैया मैं इसको रिवाइव करने बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये रिवाइव हो गया बंदा तो भैया मेरी चटनी बना देगा 2 सेकंड में। इस वजह से मैं मार्क कर देता हूँ, भैया मेरे सामने एक बंदा है मेरे पास आ जाओ कवर देने, और तब तक और डिफेंडर आता है भाई, और डिफेंडर की क्या ही बचती है तुम देखो। अब वो बंदा नीचे जंप लगा चुका था, मैं सोचता था यार वो बंदा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जब तक उसने नीचे जंप लगाई भाई मैं समझ गया वो बंदा मेरे टीममेट को मारेगा। अब भाई मेरे टीममेट को उसने बिल्कुल एंड मतलब छोड़ दिया, मतलब बस पूछो नहीं भाई, मेरे टीममेट भी बचते बचे बच गया, उसने मूवमेंट कर दी थी अच्छे टाइम पे, वरना वो उसकी चटनी बना देता ये। अब मेरे को मिल चुकी थी AWM का दी था 3x वगैरह भी मिल चुका था, मैं अपने टीममेट से इतना चालू था बता नहीं रहा था, क्योंकि मतलब भाई कौन छोड़े गए, फ्री का स्कोप दे रहे थे मुझे 4x, खास कर मैं बता देता मेरे को 4x मिल जाए कैंसिल हो जाएगा। अब वो बोर्ड को मारने पे लगे बड़े थे, मैं देख रहा था यार किसको मार रहे हैं, और मैं वहाँ पे जाता भी हूँ, और वहाँ पे एक और एक एक टीम आती है, अब वो कितनी नशेड़ी टीम थी वो हर कोई जानेगा, तुम देखो बस पूरी वीडियो। बट मेरे को यार एक कन्फ्यूज़न होती है, तुम देखते रहो, बस एक कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में पैदा होती है यार क्या ड्रामा हो गया था। अब तुम सोच नहीं सकते हो भाई कि मतलब पूछो नहीं यार, इतनी गंदी कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में पैदा हो गई कि भाई दो बंदे थे बट एक बंदा कैसे रहा। अब मेरा इंटरनेट थोड़ा लैग कर गया था थोड़ा, मैं इनसे 4x लेता हूँ जल्दी जल्दी भाई 4x दे दो, क्योंकि 3x मेरे पे इस वजह से, मैंने इनको बताया नहीं मेरे को 3x मिल चुका है, क्योंकि मेरे को फिर 4x भी नहीं मिलता AWM में लगाने के लिए। वैसे दे तो देते, बट मैंने कह दी यार मुझे 4x दे दो, दे तो देते अगर मैं कह देता 3x भी, बट 3x चला जाता मेरा, इस वजह से मैंने बताया ही नहीं भाई इस वजह से। अब ये और डिफेंडर वगैरह वो लूट रहे थे मस्त मज़े में, मैं मस्त लूट रहा था वो भी। अब मैं बुलाता हूँ भाई आजा बैठ जल्दी जल्दी बैठ जा तू, है ना, इस वजह से भाई वो बैठता है, जब तक ये बैठा मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही थी वैसे सब पे, क्योंकि यार मेरे को ड्राइविंग के लिए छोड़ रहे थे, मेरे को यार ये मतलब क्या ही समझ रहे थे। देखो अब इस बंदे ये तुम दे देना, इसमें अभी दो बंदे थे ठीक है ना, गैस कर लो दो बंदे थे, देखा भी था सबने। अब एक कैसे हो जाता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे टीममेट ने तो एक ही बंदे को मारा था, दो को नहीं। अब देखो तुम कैसे, अब वो बंदा कहाँ गायब हो गया, मैं सोच रहा था यार एक ही बंदा होगा, मतलब दो बंदे होंगे बट एक ही बंदा था, मैं क्या ही सोच रहा। अब मैं आगे ऊपर जाता हूँ, मैं तो ये सोच रहा था यार कि बंदा कहाँ चला गया वो वाला, और जब तक मैं ऊपर जाता हूँ तब तक मेरे टीममेट ने उसको मार दिया था गॉड फादर को, और गॉड फादर ये टट्टी अंदान था, मतलब पूछो ही नहीं, मतलब मेरे टीममेट ने भी मार दिया इसको, बनाच भी खाए हुए, मतलब पूछो नहीं, मेरा यार गला बैठ रहा है। वैसे भी यार मैंने कल बॉयज ओवर इसलिए नहीं किया था हैंड गेम में, क्योंकि मेरा थोड़ा गले में दर्द हो रहा था, इस वजह से नहीं गया इसमें। अब मैं गाड़ी को निकालता हूँ, और मेरी गाड़ी में जब बैठता हूँ तो भैया उसका पेट्रोल ख़त्म हो रखा था, मैं देखा। अब इस फटीचे सी गाड़ी में तो हम जाने नहीं वाले थे, क्योंकि दो बंदे एक संग स्प्रे दे ना तो भैया माही, तो भैया वहीं पे मतलब चटनी बन जाएगी ये समझ लो। अब मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ अपनी वाली में कि भैया आ जाओ यार चलते हैं यहाँ से, चलते हैं यहाँ से। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं गाड़ी का 2 मिनट भी करता हूँ, और मुझे पता चलती है भाई फ्यूल नहीं है गाड़ी में अपनी में। अब मैं जैसे भागने निकल लेता हूँ, भैया मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, इस फटीचर में तो जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि बंदे एक ही बंदा स्प्रे देगा तो भैया मेरी चटनी निकल रही है इधर। और मैं क्या करता हूँ तुम देखो, अब किसी की कॉल आ गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो कट कर दी थी, इस वजह से भैया सॉरी, वो भी 5 सेकंड की कट कर दी थी, मैंने कह दी थी भैया मैं गेम खेल रहा हूँ अभी, कोई नहीं आया घर पर पे इस वजह से, और देख सकते हो मैंने कट कर दी बिल्कुल वीडियो, इस वजह से सॉरी यार करनी पड़ गई। अब सामने बंदे थे मेरे को दिख गए थे, और मेरे टीममेट मुझे एक किल नहीं दिया इस वजह से, अब तुम देखो कैसे किल
भाई मेरे टीममेट को नहीं मिला था ये समझ लो तुम। एक किल मेरा वो भी पता नहीं किसको मिला था, बट मिला था किसी ना किसी को, वरना तुम्हारा भाई तो कतई जहर ओपी वाला। मैं 1v2 कर चुका था, बट 1v3 करने पर आ ही रहा था तब तक। मेरी तो है मतलब ये तो रैट निकल गई उस टाइम ही। अब तुम देख ही रहे होगे 9 बंदे लाए मैं, उनमें से मतलब एक बोट था उसे मार रहे थे वो सामने वाले। मैं उनको अपने टीममेट को बताया था भाई वहाँ पे बंदे हैं, बट मेरे टीममेट तो कहाँ सुनने वाले थे, मेरे टीममेट सुन नहीं रहे थे, वो अपने अलग जा रहे थे गाड़ी के पास। मैं कह रहा था भाई लेफ्ट में बंदे हैं, और मेरी बात और डिफेंडर ने नहीं सुनी। और सदी मेरा एक नंबर कौन था ये मेरा नंबर भी नहीं याद, ये नंबर 1 तो मैं था भाई, नंबर 2 पता नहीं कौन था, बट नंबर 3 ने नहीं सुनी, और नंबर 4 नहीं, नंबर 4 अब मुझे नहीं पता भाई किसने नहीं सुनी। अब छोड़ो इस बात को, बट ये बंदा तीसरी बार मार देता है मुझे, ये बहुत खतरनाक था। अब इनकी स्क्वाड भाई पूरी 4 बंदे थे, उनमें से मेरा टीममेट ले जाता है भाई बहुत ज़्यादा वाला राहुल रंचो। भाई अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना भूलना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।